दोस्तों भारत में जल्द ही बोलेरो नियो प्लस लॉन्च होने वाली है और आज इस वीडियो में हम आपको इसी एसयूवी के बारे में डिटेल में बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लक्ष्मी माता उन सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना जिन्होंने इस वीडियो को लाइक किया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा की टॉप सेलिंग एसयूवी में से एक बोलेरो नियो जल्द ही इसका बड़ा वेरियंट बोलेरो नियो प्लस लेकर आ रही है। बीते दिनों कई मौके पर महिंद्रा बोलेरो नियो प्लस के टेस्टिंग की झलक दिखी है। बोलेरो नियो के 7 सीटर वेरिएंट नियो प्लस के बारे में कहा जा रहा है कि ये कंपनी की डिसकंटिन्यू हो चुकी एसयूवी टीयूवी 300 प्लस की काफ़ी मिलती जुलती होगी और इससे लेटेस्ट फीचर्स के भरमार देखने को मिलेगी। अगर लुक और डिजाइन की बात करें तो इसमें टीयूवी 300 प्लस के मुकाबले बेहतर फ्रंट ग्रिल, स्मोक्ड इसेंट और DRL के साथ हेलोजन हेडलैम्प, रीडिजाइंड फ्रंट बम्पर देखने को मिलेंगे। साइड प्रोफाइल केमो बेस्ड TUV 300 प्लस जैसे ही देखेंगे। बोलेरो नियो प्लस के इंटीरियर और फीचर्स की बात करें तो इसमें बेहतर डैशबोर्ड के साथ ही अपडेटेड अपहोल्स्ट्री, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी से लैस 9 इंच का टचस्क्रीन एनवायरनमेंट सिस्टम देखने को मिल सकता है। इस 7 सीटर एसयूवी में क्रूज कंट्रोल, स्टेयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल, मल्टी इन्फो डिस्प्ले, पावर विंडो, EBD के साथ ABS, डुअल एयरबैग्स और रियर पार्किंग सेंसर भी दिख सकते हैं। बोलेरो नियो प्लस में आपको 2.2 लीटर डीजल इंजन देखने को मिल सकता है जो कि 132 PS की पावर और 300 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करने में कैपेबल है और इस SUV के साथ आपको 6-speed गियरबॉक्स देखने को मिल सकते हैं। अगर कीमत की बात करें तो नियो प्लस की शुरुआती कीमत 10 लाख रुपये हो सकती है जो कि इस SUV के हिसाब से काफ़ी अफोर्डेबल माने जाएंगे। तो आपको यह बोलेरो नियो प्लस कैसा लगा आप कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।